ऐसा कि पंजाब की भगवंत मान की सरकार जिते हर फ्रंट ते फेल है उत्थे नवे नवे टैक्स ला के पंजाब की जनता नू तंग कर रही। एक पासे पूरे देश के अंदर दुनिया अंदर पेट्रोल डीजल के दाम घटे ने, लेकिन पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने 90 पैसे सैस ला के पंजाब के आम आदमी, पंजाब की गरीब आदमी, पंजाब के मध्य वर्गी की जेब कट्टी। एक पासे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जड़े मध्य वर्ग है उन्होंने टैक्सा च छूट दे रही है, और दूजे पासे भगवंत मान की सरकार बजट तो पहले पेट्रोल बंब सुट के पंजाब की जनता नू एक नवा टैक्स ला दिता है। पंजाब की जनता पहले ही लॉ एंड ऑर्डर की विफलता तो इस सरकार तो दुखी है। इस सरकार माफियाइज़म तो रोक नहीं पाई और वादा पूरा कोई नहीं कर पाई। ये कहते थे कि हर बेटी नू 1000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया ता मिलेगा जे दोगे। पंजाब की जनता तो वेट कर रही है, पंजाब दियां बेटियां वेट कर रही हैं, पंजाब के नौजवान वेट कर रहे कदों बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन ये सरकार कुछ देने की बजाय उल्टे टैक्स ला रही। ये कहते सन कि असी खनन तो पैसा कमावांगे, असी भ्रष्टाचार रोकांगे। पिछले लगभग 10 महीनों की सरकार के अंदर एक भी फील्ड के अंदर माफिया नू रोक नहीं पाए। पूरा माफिया अज सरकार दे उत्ते हैवी है। सरकार एक तरह की पंगू बनी हुई है, परिवार के लोग जा के जगह पर उद्घाटन कर रहे। मुख्यमंत्री साहब आऊँ लगता किसी होर ही कम व्यस्त ने, और पंजाब की लो एंड ऑर्डर की स्थिति रॉकेट चल रहे, IDs पकड़िया जा रही हैं, जगह जगह के उत्ते डर का वातावरण है। इस सरकार ना सुरक्षा दे पाई, ना तरक्की दे पाई, ना उद्योग दे पाई, ना व्यापार दे पाई। उल्टा 90 पैसे हर लीटर के उत्ते टैक्स लगा के पंजाब की जनता नू ओरा कचूमड़ कटिया जा रहा है। पंजाब के टीचर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं लड़ाई वास्ते, क्या जा रहे हैं कि दिल्ली च LG ते BJP जान नहीं दे रहे। ऐसा है कि झूठ बोलिया जा रहा है। भगवंत मान साहब नू मैं बेनती करांगा, तुसी अगे महला क्लीनिक के नाम से जिन्ना वड्डा झूठ बोलिया, पंजाब के अंदर अगर महला क्लीनिक की गल हैगी सी ते नवे खोलते, नवे डॉक्टर की भर्ती करते, पुरानी डिस्पेंसरिया के उत्ते पोचे मार के केवल आई वाश किया जा रहा। ये जिहड़ी सरकार है, ये सरकार केवल व केवल पोलिटिकल टूरिज्म और पोलिटिकल फोटोइज़म की सरकार है। ये सुरखियाँ बटोरन वाली सरकार है, लीकर माफिया के नैक्सिस की सरकार है। वह लीकर माफिया जो तेलंगाना च सी, जिहड़ा दिल्ली च फड़िया गया, वह लीकर माफिया पंजाब च कर रहा है। और भगवंत मान की सरकार हर फ्रंट ते फेल है, एक केवल सुरखियां बटोरिया जा रही हैं। हालात ऐ ने कि पंजाब के स्कूलों च ना टीचर है उन्हां दी भर्ती होने लई, ना बेंचिज ने, ना पक्खे ने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और भगवंत मान साहब कभी कोई लारा ला के, कभी नवी स्कीम कढ के, केवल पोस्टरबाजी करके, फोटोइज़म करके, टूरिज़म करके ये सरकार टाइम कट रही है। इन्हां कोल कोई नीति नहीं, कोई नेता नहीं। ऐसा है कि पूरे देश के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी छड़ के जा रहे। कश्मीर जो गुलाम नबी आजाद साहब तो लैके थले धुर तेलंगाना तक, केरल तक राजगोपाल रेड्डी हो, लंबी श्रृंखला कपिल सिब्बल, लोग पार्टी छड़ के जा रहे। कांग्रेस एक डुबदा जहाज है, इस जहाज को छड़ के लोग जा रहे ने। और पंजाब के अंदर तो मैं हैरान हाँ कि वडिंग साहब तो धक्के मार मार के कांग्रेस के विचों कोई बाहर जाता है तो वडिंग साहब खुशियां मनाते, चला गया चला गया। इस तरह पोलीटिकल पार्टियां नहीं चलदियाँ। एक घर का जीव ही हिलता है तो दिख तो दुख हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी अज बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी एक डुबदा जहाज। राहुल गांधी ने लैटर लिखा है नरेंद्र मोदी ने, ऐसा कि राहुल गांधी जी ने कोई जानकारी नहीं, बिना तथ्यों के आधार पर चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी जी अपने पिता जी के टाइम दिया चिट्ठियाँ कढ़ो, तुहाडे फादर जो देश के प्रधानमंत्री सी तद जगमोहन जी ने जिहड़े उसले दे गवर्नर सन, उन्होंने लैटर दित्तियां कि भी किस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटना होंदी है भी। लेकिन तुहाडे फादर और उसले दे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की।
जिस फारूक अब्दुल्ला ना तुसी लाल चौंक च एक पासे फारूक अब्दुल्ला दूजे पासे महबूबा मुफ्ती लैके घूमन डे सी यह लोग आ जिन्हां दे हाथ जम्मू कश्मीर दे लोगों दे खून नाल रंगे हुए ने यह लोग ने जिन्हां ने तीन परिवार ने नहरू गांधी परिवार मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार जिन्हें जम्मू कश्मीर नूं लुटिया और जम्मू कश्मीर नूं दहकते शोलियां उत्ते सुट दिता यह तीन परिवार ने यो ही फारूक अब्दुल्ला साहब उस वेले मुख्यमंत्री सन जदों जम्मू कश्मीर के अंदर नरसंहार होया कश्मीरी पंडितों का पलायन होया कश्मीरी पंडित ते अत्याचार होया लेकिन ये चुप करके बैठे रहे यो ही मुफ्ती साहब उस वेले देश के गृहमंत्री सन जदों जम्मू कश्मीर चो हिंदुओं नू कश्मीरी पंडितों नू सरेआम मारिया गया कश्मीरी पंडितों दीआं लाशां पिंडा दे बाहर टांगतियां गई खून नाल सने हुए जिनंगुआ नाल लाशां कोई भुल नहीं सकता देश के अंदर देश के ही नागरिकों का पलायन होया जिहड़ा कि बहुत दुखद है और अज राहुल गांधी जी बेवजह के प्रश्न उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित या बाकी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की और असं उन्हों की सुरक्षा की जिम्मेवारी करना जानते हैं और अगे भी पिछले 10 साल तुसी आतंकवादियों बिरयानी खवाते रहे 4 से 14 यासीन मलिक नू रेड कारपेट बिछाया जाता असी जेल च भेजा असी कातलों नू सजावां दवाइया और तुहाडे टाइम च 10 साल 2099 आतंकवादियां घटनावां होईयां सी नरेंद्र मोदी जी की 2014 तो सरकार आई है 239 घटनावां होईयां असी आतंकवादी भी घट किए और आतंकवादियों की उम्र भी घट की है और अगों भी साड़ी गरंटी है जड़ा देश के नागरिकों की हत्या करेगा असीं उन्हें कठोर कार्रवाई करांगे या तो उन्हें जेल च पहुँचावेंगे या कब्र च पहुँचावेंगे छड्डांगे।